हेलो गाइस, बेहित औसीफ और आप देख रहे हैं बिलीव फॉर यू। इस वीडियो में हम लोग स्टॉप मोशन वीडियो क्रिएट करने के बारे में बात करेंगे। स्टॉप मोशन एनिमेशन वीडियो बनाने का एक बहुत ही क्रिएटिव तरीका है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है स्टॉप मोशन का। आपने काफी सारी स्टॉप मोशन की वीडियो देखी होंगी इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह पे। हमारे जो ओल्ड स्कूल टाइप स्टॉप मोशन इफेक्ट था कुछ इस तरह का, ये भी आपने जो है वो काफी देखा होगा। काफी सारी पॉपुलर मूवीज लाइक क्यूब, मिसिंग लिंक वगैरह जो है वो स्टॉप मोशन के जरिए एनिमेट की गई है। तो बेसिकली स्टॉप मोशन में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल इमेजेस क्रिएट करते हैं सीक्वेंस में, और उसके बाद जब हम उसे कंबाइन करके प्ले करते हैं तो हमारे पास जो है एक एनिमेशन इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो उसे ही हम लोग जो है स्टॉप मोशन बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग स्टॉप मोशन इमेज कैप्चरिंग के बेसिक रूल्स के बारे में जानेंगे और फिल्मोरा के जरिए स्टॉप मोशन वीडियो क्रिएट करना जो है वो सीखेंगे। तो स्टॉप मोशन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपके पास जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो है कैमरा, आपके पास DSLR हो या फिर मोबाइल कैमरा हो, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज है ट्राइपॉड, बिगर ट्राइपॉड के आप जो है वो स्टॉप मोशन वीडियो नहीं बना सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि आपका इमेज जो है वो हिलनी नहीं चाहिए, मतलब आपने जो फर्स्ट इमेज कैप्चर किया है और लास्ट इमेज जो आपने कैप्चर किया है स्टॉप मोशन के लिए, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं आनी चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब आप ट्राइपॉड के ऊपर अपना कैमरा रख करके यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज आती है लाइटिंग, तो लाइटिंग ऑप्शनल है। अगर आपके पास सफिशियंट लाइट है तो आप जो है उसी का यूज कर सकते हैं। बस आपको ख्याल ये रखना है कि बीच में लाइटिंग भी चेंज नहीं होनी चाहिए। जो आपका फर्स्ट इमेज है, जो आपका लास्ट इमेज है, मतलब जो भी आपका एनिमेशन है, उस बीच में कहीं पे भी आपका जो है लाइटिंग चेंज नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी वीडियो जो है वो थोड़ी सी जर्की हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास कैमरा, तो कैमरा के लिए भी जो है आपको काफी सारी चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप DSLR यूज कर रहे हो या फिर मोबाइल यूज कर रहे हो, आपको ध्यान ये रखना है कि आपको मैनुअल मोड में जो है वो इमेज कैप्चर करना है। मतलब वाइट बैलेंस, हमारा जो एक्सपोजर है या फिर फोकस है, ये सारी चीजें फिक्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे जो है ऑटोमेटिक वाइट बैलेंस जो है वो ऑन है तो किसी इमेज में कुछ ब्लैक टाइप आया तो ज्यादा जो है वो लाइट आ गया, तो वो वेरिएशन नहीं आनी चाहिए। आपको टोटली मैनुअल मोड में जो है वो ऑपरेट करना है। DSLR में मैनुअल मोड तो होता ही है। अगर आपके कैमरा में मैनुअल मोड नहीं है तो जैसे ओपन कैमरा एप्लीकेशन है, ऐप है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें जो है आपको लॉक करने के फीचर्स मिल जाते हैं। तो फाइनली आपको क्या करना है, सेटअप करना है। अब बेसिक बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में स्टॉप मोशन जो है वो वर्क कैसे करता है। तो स्टॉप मोशन में सिंपल क्या होता है, जैसे ये मेरे पास ये एक कार है, ये यहाँ पे है, इसको मुझे यहाँ पे ले जाना है और इस बीच में मुझे जो है एक एनिमेशन क्रिएट करना है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारा जो भी सेटअप है वो हमने फिक्स कर लिया। आप जो है टॉप के लिए कुछ इस तरह का जो है वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक सेटअप है, ये मैंने मोबाइल जो है वो सेटअप किया है। तो इस तरीके से आप जो है टॉप में सेटअप कर ले। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी टेबल की चीज का जो है वो स्टॉप मोशन बनाना चाहते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट फ्रेम में जहां से भी आप एनिमेशन स्टार्ट करना चाहते हैं वहां पे आप अपने इसको फिक्स कर दीजिए। उसके बाद फ्रेम से आपको हट जाना है, किसी भी तरह का शैडो नहीं आनी चाहिए, किसी भी तरह का लाइटिंग चेंज नहीं आनी चाहिए। और उसके बाद आपको इमेज कैप्चर करना है। इमेज कैप्चर करने में भी आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी तरह का जो है वो शेक नहीं होनी चाहिए। तो हमेशा आप जो है या तो रिमोट कंट्रोल का यूज़ करें, जो स्टिक वगैरह आता है उसमें जो रिमोट दिया होता है इमेज कैप्चर करने के लिए, उसका यूज़ करें, या फिर ट्रिगर वगैरह का यूज़ करें। जैसे भी आपको यूज़ करना है आप जो है उसका यूज़ करें। उसके बाद क्या करना है, धीरे धीरे आपको जो है इसको मूव करना है ना। एक फ्रेम आपने मूव किया, कैप्चर किया, नेक्स्ट फ्रेम आपने मूव किया, कैप्चर किया, नेक्स्ट फ्रेम आपने मूव किया, कैप्चर किया। अब यहाँ पे फ्रेम रेट के बारे में भी जो है थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कितना फ्रेम। नॉर्मली हम लोग जो वीडियो बनाते हैं वो बनाते हैं 25, 24 या फिर 30 फ्रेम पर सेकंड। नॉर्मल स्टैंडर्ड वीडियो जो होती है वो हमारी इतने फ्रेम में होती है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, डिसाइड करना है कि आप कितने फ्रेम पर सेकंड की वीडियो बनाना चाहते हैं। मतलब अगर 24 फ्रेम पर सेकंड की वीडियो बनाना चाहते हैं तो 24 इमेज आपको कैप्चर करना पड़ेगा एक सेकंड की वीडियो बनाने के लिए। तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। मिनिमम जो है आप स्टॉप मोशन में 15 फ्रेम जो है वो यूज कर सकते हैं, मतलब 15 फोटो मिला करके जो है आपकी एक सेकंड की वीडियो बनेगी। तो नॉर्मली अगर आप यहां से यहां तक इसको एनिमेट करना चाहते हैं कि ओके एक सेकंड में इसको यहां से यहां तक हमें पहुंचाना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर मिनिमम की बात करें, 15 फ्रेम की बात करें, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 15 मरतबा इसको जो है हम धीरे धीरे खिसका करके 15 बार में जो है इसको यहां तक हम लोग पहुंचाएंगे। मतलब हर एक
चेंजेस के बाद जो है हम लोग कैप्चर करेंगे। तो एक सीक्वेंस हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और सिंपल हमें क्या करना है, एक तरीके से स्लाइड शो क्रिएट कर दे रहा है उसका सॉफ्टवेयर के अंदर में जा करके। वैसे ही जैसे आपने जो है हमारी वीडियो में देखा होगा, मतलब हमारा जो स्टॉप मोशन है ये वाला, इसमें देखा होगा कि ये जो है ये ऐसे लग रहा है कि जैसे ये जो पेड़ है ये ग्रो कर रहा है। तो इसमें मैंने क्या किया था, सबसे पहले इन सारे पत्ते को मैंने जो है वो निकाल के रख दिया था, है ना, और उसके बाद जो है मैंने एक एक करके जो है यहाँ पे सभी पत्ते को लगाया है। और जैसे जैसे मैंने इसमें पत्ते लगाए हैं, मतलब एक पत्ता मैंने लगाया यहाँ पे, ओके थोड़ा सा मैसी कर लेते हैं, ओके एक पत्ता मैंने यहाँ पे लगाया, ये ऐसे था फर्स्ट फ्रेम हमारा, एक पत्ता मैंने यहाँ पे लगाया, उसके बाद मैंने इमेज कैप्चर किया, नेक्स्ट पत्ता मैंने यहाँ पे लगाया, है ना, फिर मैंने यहाँ पे एक इमेज कैप्चर किया फ्रेम से बाहर आकर के, और इस तरीके से जब मैंने इसको कंबाइन किया तो ये हमारे पास जो है काफी अच्छा सा इफेक्ट आ गया। तो फाइनली आपको क्या करना है, जैसे भी करना हो इमेज का जो है वो सीक्वेंस क्रिएट करना है, फ्रेम रेट डिसाइड कर लीजिए, और इसके बाद फाइनली आपको ओपन करना है फिल्मोरा। चलिए चलते हैं फिल्मोरा में। ओके गाइस, तो सबसे पहले अगर आप फिल्मोरा डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बिगिनर्स के लिए बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है ये। फिल्मोरा 9 से रिलेटेड आपको हमारे चैनल के ऊपर काफी डिटेल में वीडियोस भी मिल जाएंगी, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, और उसके बाद जाना है फाइल में, फाइल में प्रोजेक्ट सेटिंग्स। अब आपने जिस फ्रेम रेट के हिसाब से इमेज कैप्चर किया है उस फ्रेम रेट को यहाँ पे चूज करना है। तो फॉर एग्जांपल आपने 30 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से जो है वो इमेज कैप्चर किया है तो आप 30 सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपने बस बिगर फ्रेम रेट का ध्यान रखे जो है वो इमेज कैप्चर किया है तो नॉर्मली आप 24 जो कि सबसे मिनिमम है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इमेज को इंपोर्ट करना है, तो आपके पास काफी सारे ऑप्शन है, आप यहाँ से इंपोर्ट में जा सकते हैं और यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर सिंपल यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ से जो है आप अपने इमेज को जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए ये मेरे पास जो है इमेज का एक सिक्वेंस है, हमारी ये सबसे पहली इमेज है ना, जिसमें सिंपल ये तीन फॉर्म है और यहाँ पे टेबल है। नेक्स्ट फ्रेम में जो है, नेक्स्ट इमेज में जो है मैंने यहाँ पे क्लाउड ऐड किया है, और उसके बाद जो है फिर मैंने यहाँ पे जो है साउंड बार ऐड किया है, और फिर ऐसे ही जो है दूसरे एलिमेंट्स मैंने हर एक अलग अलग फ्रेम में जो है वो ऐड करता चला गया हूं। उसके बाद फाइनल जो हमारा लास्ट फ्रेम है वो देख लीजिए, इसमें काफी सारी चीजें आ गई है। तो फाइनली हमें क्या करना है, इसे इंपोर्ट करना है, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, ऑल सेलेक्ट करता हूं, ओके कमांड ए या फिर कंट्रोल ए। मैं यहाँ पे मैक ओएस यूज कर रहा हूँ, अगर आप विंडोज यूज करें फिर भी हमारा जो सारा प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम होगा। सिंपल आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है, तो मैं यहाँ से ड्रैग करके इसको डाल देता हूँ यहाँ पे फिल्मोरा में, और उसके बाद अब यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद जो है आपको यहाँ पे प्रेफरेंसेज में जाना है, तो सिंपल यहाँ पे आ जाइए, ये हमारे पास प्रेफरेंसेज, और इसके अंदर आप जो है एडिटिंग में आ जाइए। एडिटिंग में आने के बाद यहाँ पे हमारे पास फोटो ड्यूरेशन है, अभी यहाँ पे आपको फोटो ड्यूरेशन चूज करना है, मतलब एक फोटो का जो है वो कितना ड्यूरेशन होगा। तो यहाँ पे आप जो है 02 से लेकर के 05 तक जो है आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल डाल देता हूँ लास्ट में 02, और इसके बाद मैंने यहाँ से इसको सेव कर दिया, कट कर दिया। अभी यहाँ से आपको क्या करना है, इसको ड्रैग करके टाइमलाइन में डालना है, तो सबसे पहले कमांड ए या कंट्रोल ए कर लीजिए, ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद सिंपल ड्रैग करके जो है इसे आप टाइमलाइन में डाल दीजिए। बस इतना ही करना होता है आपको, और आपका जो स्टॉप मोशन है वो एक तरीके से रेडी है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो इफेक्ट है स्टॉप मोशन का वो यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो वीडियो हमारी जो है वो फाइनली एक तरीके से जो है वो रेडी है। तो आपको जितना भी फास्ट करना हो, जैसे यहाँ पे जो है वो काफ़ी फास्ट है, हम चाहें तो इसे जो है वो स्लो कर सकते हैं, जैसे कि देख लीजिए मैं यहाँ पे इसे प्ले करता हूँ, ये काफ़ी फास्ट है, हम चाहें तो इसको और भी थोड़ा स्लो कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले टाइम लाइन से सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं फिर से प्रेफरेंसेज में, और नेक्स्ट यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसका जो ड्यूरेशन है वो 05, ओके और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले तो ऑल सेलेक्ट कर लिया मैंने, फिर यहाँ पे आ जाते हैं, ऑल सेलेक्ट करते हैं और ड्रैग करके मैं यहाँ पे जो है टाइमलाइन में डाल देता हूँ। तो देख लीजिए आप, इसका जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पे हमारा जो है वो बढ़ गया है, मतलब अब जो हमारा एनिमेशन का ड्यूरेशन होगा वो ज़्यादा लंबा होगा। तो आप देख लीजिए थोड़ा जो है वो पहले से स्लो होगा, तो आप एक एक इमेज को जो है वो यहाँ पे फील कर सकते हैं कि कैसे मैंने जो है वो इमेज कैप्चर किया है।
और ये इस तरीके से जो है हमारा एनिमेशन जो है वो तैयार हो गया। तो बहुत ही सिंपल है स्टॉप मोशन क्रिएट करना, जो भी मेहनत आपको करनी है वो एक्चुअल में इमेज कैप्चर करने के दौरान ही करनी है। फिल्मोरा से रिलेटेड आप और भी अगर डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप हमारी जो है फिल्मोरा से रिलेटेड वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं। फाइनली जब आपकी वीडियो रेडी हो जाए तो यहाँ पे एक्सपोर्ट में आ जाइए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर्मेट चूज करना है, किस फॉर्मेट में जो है आप वीडियो को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको जो है डिवाइस के अकॉर्डिंग भी फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। यूट्यूब के ऊपर डायरेक्टली जो है आप अपलोड कर सकते हैं, वीमियो है, या फिर डीवीडी में आप बर्न भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एमओवी सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद जो है फोल्डर आप यहाँ से चूज कर लीजिए कि कहाँ पे जो है आप इसे सेव करना चाहते हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ पे जो हमारे स्टॉप मोशन का फोल्डर था मैं उसी में इसको सेव कर देता हूँ। और फाइनली आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट, और ये हमारा जो है एक्सपोर्ट हो गया। और यहाँ पे हम लोग जो है इस वीडियो को भी देख लेते हैं प्ले करके। ओके, तो ये है हमारी वीडियो और इसको मैं प्ले करता हूँ। तो जो इफेक्ट जो है आपने प्रीवियसली देखा है वही इफेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे 0.5 जो है वो एक इमेज का ड्यूरेशन रखा था, इसलिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा एनिमेशन जो है हमारा पहले के कंपैरिजन में स्लो है। ओके गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का जो स्टॉप मोशन का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा और आप अब खुद से जो है वो काफी अच्छे तरीके से स्टॉप मोशन वीडियो क्रिएट कर सकते हैं और इसे फिल्मोरा में जो है वो एडिट कर सकते हैं। एक्चुअली आप किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जो है वो एडिट कर सकते हैं। सिंपल आपको क्या करना है, 2 से 3 सेकंड की एक वीडियो का ड्यूरेशन रखना है और उसके बाद जो है उसको प्ले करके देखिए, आपका स्टॉप मोशन जो है वो इफेक्ट जो है वो आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, लाइक तो जरूर कीजिए। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो अपडेट्स के लिए, वीडियो एडिटिंग, वेबसाइट मेकिंग वगैरह की ट्यूटोरियल्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत 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 शुक्रिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, जय हिंद।